एक ऑस्ट्रेलियन नाविक और उसका पालतू कुत्ता महीनों तक प्रशांत महासागर में भटकते रहे। कच्ची मछली और बारिश का पानी पीकर इस शख्स ने खुद को ही नहीं अपने पालतू कुत्ते को भी जिंदा रखा। समंदर में उतरने के एक हफ्ते बाद ही टीम शेडॉक नामक शख्स की नाव का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार टीम शेडॉक अप्रैल में मेक्सिको के लापाज से निकला और तकरीबन 6000 किलोमीटर दूर फ्रेंच पोलिनेशिया पहुंचने की कोशिश में था। गौरतलब है कि समंदर में उतरने के हफ्ते भर बाद ही उसकी नाव तूफान में फंस गई। टीम शेडॉक की नाव विशाल समंदर में भटकती रही। दोनों ने रेस्क्यू की उम्मीद भी छोड़ दी थी। CNN की रिपोर्ट के अनुसार टीम शेडॉक और उसके पालतू कुत्ते बेला को समंदर में भटकते हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। 12 जुलाई को एक मैक्सिकन ट्यूना ट्रॉलर ने समंदर में भटकते देखा। शेडॉक और बेला को समंदर तट से 1931 किलोमीटर दूर भटकते देखा गया। ट्यूना बोट ने एक नाविक को 3 महीने बाद रेस्क्यू किया। इसमें कोई शक नहीं कि ऊपर वाला महान है। रेस्क्यू बोट ने एक पोस्ट में यह लिखा, टीम शेडॉक समंदर में कच्ची मछली खाकर और बारिश का पानी पीकर जिंदा रहा। अपनी छोटी सी नाव पर ही उसने सूरज से छिपने की व्यवस्था कर ली थी। रेस्क्यू के बाद टीम शेडॉक ने कहा कि उस पर काफी कुछ बीता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक है। मीडिया से बातचीत करते हुए शेडॉक ने कहा, मेरे पास फिशिंग गियर, सर्वाइवल गियर है। शेडॉक ने ये भी कहा कि उन्हें समंदर में काफी परेशानी हुई और उन्हें बस अब काफी सारा खाना और आराम चाहिए। रेस्क्यू करने के बाद शेडॉक को वापिस मेक्सिको ले जाया गया, जहाँ उनकी मेडिकल जाँच हुई। शेडॉक ने बेला की भी काफी तारीफ की और कहा कि समंदर ने बेला ने उसका साथ दिया। शेडॉक ने यह भी बताया कि समंदर में इस अनुभव के बावजूद वो वापस समंदर में जाना चाहता है। उसे समंदर में अकेले वक्त बिताना काफ़ी पसंद है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।